हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। लवराज पीछे से देख रहा था। क्या देख रहे थे आप? लवराज नहा के आया है अभी और अभी धूप सेक रहा है। लवराज को अच्छा है, धूप देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना ताकि हम आगे और भी अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। और अगर आपको लवराज अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। फिर बड़ा होकर लवराज भी वीडियोस बनाएगा। तो लवराज अभी बस नहा धो के आया था तो मैंने सोचा इसको धूप सिखा ले, थोड़ा सा इसको कुछ मतलब फीड करवाया था और अभी खेल रहा है। रात को बहुत ज़्यादा रोया, रात को ना नाक बंद हो गई थी, इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा रोया, कई देर तक रोता रहा। और बड़ी मुश्किल से मौसा जी मौसी जी दोनों जने बेचारे इसको बहलाने में खिलाने में लगे हुए थे, इसको बहला रहे थे। अब चर चर पीछे से देख रहा है वीडियो में। क्या देख रहे हो चर चर वीडियो में? शर्मा भी रहा है। चर चर क्या देख रहे हो? हरियाणवी बच्चे गुजरात में आके, अच्छा हरियाणवी बच्चा अलग ही दिखता है ना, टोपले वाला। तो इसके ना बॉडी पे शायद ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने से ना यहाँ वो रेड रेड से हो गए, हल्के ब्रिक ब्रिक से दाने से, ज़्यादा मोटे कपड़े थे। तो आज मैं सोच रही हूँ स्वेटर नहीं पहनाऊँगी इसको, ये थोड़ा वॉर्म वाला ये पहनाया है, बस एक टी शर्ट और यही पहनाया है फ़िलहाल। तो इसको स्वेटर ना ही पहनाऊँ तो सोच रही हूँ, क्योंकि थर्मल तो इसको पहनाया नहीं था, आज ही पहनाया है, कल नहीं पहनाया था। स्वेटर थी कल और परसों, तो शायद उससे ही ज़्यादा एकदम मतलब ज़्यादा हीट हो गई, तो गर्मी में धूप में बैठा था ना कल भी, तो आज इसको स्वेटर नहीं पहनाऊंगी। देखती हूँ ये भी अगर नहीं ज़्यादा गर्मी लगी तो ऊपर वाला ये थर्मल भी उतारूंगी इसका। तो अभी लवराज खेल रहा है और हम देखते हैं आज कहीं जाएंगे शायद बाहर, अगर जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली लेके जाएंगे। और मैं नहा चुकी हूँ, मैं नाइट सूट में बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने सुबह एक बार नहा के ये नाइट सूट ही पहन लिया था, क्योंकि घर पर रिलैक्सिंग से कपड़े पहन के है ना अच्छा लगता है, कम्फर्टेबल होके, तो इसलिए मैंने ये नाइट सूट ही पहन लिया था। और जब जाएंगे तब कपड़े चेंज कर लेंगे। इतने बेबी को जैसे खाना वाना खिलाते हैं, बेबी को भी मैंने अभी अच्छे कपड़े नहीं पहनाए हैं, ये मुझे पता था इसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे ना तो ये सारा स्पिल कर लेता है अपने ऊपर ही, वो ढील लेगा। तो चलिए फिर मिलती थोड़ी देर में आपसे। तो मौसी जी ने बनाई थी चाय और धूप में बैठ के चाय पीऊँगी मैं, इतने लवराज के साथ खेलने लग गई थी तो चाय ठंडी तो हुई नहीं ऑब्वियसली, इतनी धूप है इतनी गर्मी है यहाँ पे, लवराज खेलने में मस्त है। तो ये देखिए धूप कितनी तेज़ है यहाँ पे। सो रहा अभी सो रहा था, गंदा बच्चा। तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए और अभी लवराज का शॉट लिया ना, वो सो रहा था बट फिर उठ गया जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? अब आ गया एंट्रेंस। Thank you.
सो वी आर इन द ट्रेंड्स में है। चीकू के कपड़े देखते हैं हम, और ये वाला चिक्कू तो हमारा बस गोदी में टंगा हुआ है। आपके लिए भी कोई कपड़े देखें? या अच्छे से दिखे नहीं मुझे, कुछ खास नहीं देखा, देखा तो था लवराज खाना नहीं है, खाने के लिए ढूंढ रहे उसको मजा आ रहा है लवराज, देखो लवराज चले लवराज, देखो ना लो, बस तुम तो बच्चा। अरे 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 इधर देखो वो आ गया लेने, लुड़ गया अरे मैं बंद कर रही हूँ, वो चीकू जा रहा है। तो हम आए थे पिज़्ज़ा हट थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाने, और लवराज को फीड करवाया था, फीड करते ही वो सो गया, और बस बाकी हम अभी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर करते हैं और फिर दिखाते हैं कि क्या मंगवाया था। और इसी बीच लवराज को फिर साइड में लेटा दिया था ताकि आराम से सो जाए, और ये आ गए हमारे पिज़्ज़ाज। तो मेरा लवराज उठ गया था, उठ गई थी खांसी। लड्डू देखो मामा, देखो पोटी पहले लवराज ने कर दी थी, नीचे लवराज को क्लीन किया, ऊपर फिर अभी चीकू ने कर दी थी। तो चीकू का ऊपर तो हमें मिल गया ये डायपर चेंजिंग रूम एंड फीडिंग रूम, यहाँ फीडिंग चेयर मतलब चेयर भी थी, और नीचे मुझे इतनी प्रॉब्लम आई उसको फीड करवाने में, बट ध्यान ही नहीं दिया, नीचे भी शायद होती पता नहीं था, बट ऊपर थी, बट अब तो करवा दिया था फीड लवराज को। चीकू गंदा बच्चा, डांस नहीं किया डांस फ्लोर पे चीकू ने, है ना? घर पे तो आप बिना म्यूजिक के करते रहते हो, बिना कहे डिंग 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 कर लो, खाली डिंग 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 भी नाच लेते हैं। सामने ही एक भी बच्चों का शहर था, और फिर हम वापस आ रहे थे घर, और घर आने के बाद क्या करा वो आपको दिखाते हैं। दोनों है चिपके बैठे, तो आ गए थे हम घर, और घर आते ही फटाफट से आटा गूंद के रोटी बनाने लग गए, क्योंकि मौसा जी और मौसी जी ने भी खाना नहीं खाया था, और फिर हम सबका खाना बनाने लगे, क्योंकि हमें भी मतलब खाना खाना ही है, बाहर तो उतना ज़्यादा खाया नहीं था,
तो अभी बस मैं रोटी बना रही हूँ और दीदी फटाफट से डालने के लिए बर्तन वगैरह निकाल रहे थे, और मौसी जी को फ़ोन कर दिया था तो मौसी जी ने दाल बनाई थी, बहुत ही अच्छी लग रही है दाल देखने में, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, अच्छा सा तड़का मार के दाल बनाई थी। और मैं खाने लगी हूँ खाना, और ये देखो लड्डू खेल रहा है, गंदा होता गंदा बंदा होतिया, अब नाथ को नोई नोई नहीं करनी, छो जाना है, ओके मम्मा के दुपट्टे से खेल लो, खेल लो हटाना आता नहीं हो गया ओह और मुंह पे ऐसे हाथ लगाएगा, लगा लो लगा लो, ले लो माँ जी को पकड़ लो पकड़ लो, दूसरा पकड़ ले, तू पकड़े दूसरा। सो गाइस ये था बस आज का हमारा दिन, और मैं लगी हूँ सोने, बहुत ज़्यादा थक गई, लवराज को उठा के निकालना पूरा शाम बहुत मुश्किल थी, तो बाय बाय गाइस, लव यू।